आज की रेसिपी बहुत हेल्दी है, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही। इसके अलावा जैसे बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं, बच्चे खाना नहीं चाहते हैं तो ये जो रंग बिरंगी सब्जियां वगैरह इसमें आप डालेंगे ना तो वो बड़े चाव से खाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें चाहिए सूजी, दही, चावल का आटा, वेजिटेबल, और बताऊंगी कि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। हेलो नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हेल्दी फूड सीरीज़ में मैं एक बार फिर से एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। जब हम वज़न कम करने के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कम खाने से या भूखे रहने से वज़न कम होगा, भरपेट खाना खाने से भी वज़न कम होता है। तो उसमें ये होता है कि क्या क्या आप चीज़ें खाते हैं। जैसे प्रोटीन की मात्रा अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये क्या करेगा, आपका जो कैलोरी है उसको भी बर्न करेगा। इसके अलावा ये हमारे मांसपेशी यानी कि जो मसल्स होता है ना उसको बनाता है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे सूजी। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सूजी को क्यों वेट लॉस में लिया जाता है और सूजी का क्या ज़्यादा महत्व है। तो सूजी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फाइबर वेट लॉस के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। फाइबर से लंबे समय तक क्या होता है कि पेट भरा रहता है, जिससे बार बार खाने से हम बचते हैं। तो यहाँ पे सूजी ले लिया है, उसके साथ में ले लिया है दही 1 बड़ा चम्मच, और 2 चम्मच यहाँ पे मैं चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ सूजी का बनाएंगे ना तो फिर ये थोड़ी फैल फैल जाती है, बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बाइंडिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा। चावल का आटा ले लिया, इसको पानी से अच्छा सा एक घोल बना लेंगे। इसमें कोई इनो, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। तब तक इसके साथ जो खाएँगे चटनी वो मैं बना रही हूँ। मैं प्योर इसका नारियल का बना रही हूँ। पहले नारियल को काट लीजिए और एक बार पहले ऐसे ग्राइंड कर लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा पीस लीजिए। और इसमें मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, प्योर नारियल है। बस देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पे बन गया है। और इसको छौंक जो लगाएंगे वो, ये देखिए मेरे घर का ही कढ़ी का पत्ता है, वहाँ से मैं तोड़ के ले आई, धो लिया, इसमें नमक डाल दिया और तड़का लगा लिया। इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, राई डाला है, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लाल मिर्ची डाला है और कढ़ी पत्ता, और छौंक लगा दिया। इस तरह से चटनी तो रेडी हो गया। अब चलिए सूजी का जो बैटर है उसको देख लेते हैं। ये 1/2 घंटा हो गया, सूजी थोड़ा ना फूल जाता है। और इसमें आप जो सब्ज़ी पसंद करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्याज, गाजर, आप इसमें बीन डालिए, जो जो सब्ज़ी आप बच्चे नहीं खाते हैं या आप नहीं खाते हैं ना, वो सारा कुछ आप इसमें डाल दीजिए। और घोल रेडी हो गया। अब थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा बिल्कुल डालिएगा, और ऐसे करके छोटी छोटी बनाइए। देखने में भी प्यारी लगती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। बड़ी बड़ी बनाएंगे तो उसको पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और ब्रश से मैं बिल्कुल ज़रा ज़रा सा इसमें ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाइए या बटर लगाइए, जो मर्ज़ी। और आप चाहे तो नॉन स्टिक में बनाएं, चाहे तो इस तरह से लोहे की आप जो तवे होते हैं उस पर भी बनाइए। एक साथ मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं 2-2 तवे और 1 नॉन स्टिक 3 पे बना रही हूँ। फटाफट से बन जाता है और इस तरह से बन के ये रेडी हो जाता है। थोड़ा सा डालना है, कलछी से डालिए और बहुत जल्दी ही बन जाता है। पतला पतला बनाते हैं, 1/2 कलछी डाल रही हूँ मैं। बस ये देखिए दोनों तरफ से करारा सेक लीजिए, बस फटाफट से रेडी होते जाएगा। अगर आप 2 तवे पे बनाएंगे तो और भी जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से बना लिया, ये बहुत ही सेहतमंद है। सारा बन गया और इसको मैं नारियल की चटनी के साथ सर्व करूँगी, और साथ में ये छाछ। छाछ भी वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। छाछ इसको खाने में ज़रूर शामिल कीजिए, ये बहुत हेल्दी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं छाछ के लिए बता दूँ। छाछ में विटामिन और प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो शरीर से एक्स्ट्रा फैट को घटाने में हेल्प करता है। आपके लिए मैंने काफ़ी होमवर्क किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो रेडी हो गया, आप भी जाइए फटाफट से बनाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, हेल्दी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।